आज महागठबंधन की बैठक, महागठबंधन का मतलब जो नया नाम इंडिया दिया गया है, उसकी तीसरी बैठक अभी कुछ देर के अंदर जो है मुंबई में शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पटना से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं और जैसे ही नीतीश कुमार पहुंचेंगे मुंबई, बैठक शुरू हो जाएगी। क्या नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाएगा, संयोजक बनाया जाएगा, या जैसा कि तमाम जो दल हैं जो शामिल हैं इंडिया में, उन्होंने और उनके प्रवक्ताओं ने अपने अपने नेताओं का नाम आगे कर दिया है कि नहीं, हमारे नेता प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं, हमारे नेता संयोजक बनने के काबिल हैं, हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं अभी बैठक यानी तीसरी बैठक शुरू होने के पहले ही शुरू हो गई हैं। खड़गे का नाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर दूसरे नेताओं ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नाम आगे कर दिया है कि हमारे खड़गे जो हैं वो कन्वेनर बन सकते हैं, हमारे खड़गे साहब जो हैं वो संयोजक के लिए उपयुक्त हैं। उधर बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का नाम आगे कर दिया है प्रधानमंत्री पद के लिए। केजरीवाल का नाम भी आगे कर दिया गया है, ममता बनर्जी का नाम आगे आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले जो डोमेस्टिक सिलेंडर यानी कि घरेलू गैस पर 200 रुपया घटा दिया उसकी कीमत, उसका बड़ा प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने कल भी आपको दिखाया था कि महिलाएं क्या सोच रही हैं कि प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों ऐसा किया, लेकिन थोड़ा सा प्रबुद्ध वर्ग जो है ये इसे चुनाव से जोड़कर देख रहा है कि चुनाव आने वाला है, जिसके कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जाल बुना है, ये पासा फेंका है कि जनता को चुनाव और महंगाई जो है, महंगाई से जो है उसका ध्यान भटकाया जा सके। कल जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं मुंबई में, तब उन्होंने कहा कि आपकी जेब में कोई 5,000 रुपया रख के उसमें से 200 रुपया निकाल ले, क्या फ़र्क पड़ेगा। वही हालत जो है प्रधानमंत्री की है, आपको थोड़ा दे देते हैं और फिर उसमें से निकाल लेते हैं, यानी कि 700 रुपये के आसपास गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं 9 साल में, और उसमें से उन्होंने 200 रुपया कम ही कर दिया, तो क्या कम किया। तेजस्वी यादव ने इस तरीके से पत्रकारों को समझाया है, सुनवाते हैं तेजस्वी यादव को। एकदम बेवकूफ बनाने वाली बात है। मान लीजिए आपके जेब से हम 5,000 रुपए ले लें और 200 वापस कर दें, तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो देश की जनता जान रही है। अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए ये लोग कर रहे हैं, वो हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी हुई हैं वो हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरा जो है चुनावी स्टंट है, और जहां इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाया गया गैस की कीमतें और फिर आप 200 कम कर देते हैं, मतलब तो कुछ रहता नहीं। 24 की तैयारी पूरी है, एकदम तैयार। तो ये थे तेजस्वी यादव, और वहीं पर जदयू के जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने से पहले मोदी को पसीना छूटने लगा और मोदी ने 200 रुपया महिलाओं को रिझाने के लिए सिलेंडर पर कम कर दिया। सुनवाते हैं आपको कि ललन सिंह कैसे कटाक्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। सर, केंद्र सरकार ने घरेलू गैस के दामों में 200 रुपया कम किया है, कैसे? देखिए, हम लोग पहले भी बताते रहे हैं कि जब से INDIA गठबंधन बना है तब से केंद्र की सरकार हताशा में है और घबराहट में, और उसी घबराहट का परिणाम है अभी तक उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि गैस का दाम इतना बढ़ गया है, अभी तक पता नहीं चल रहा था उनको। अभी तक उनको पता नहीं था कि गैस का दाम बढ़ गया है, और गैस का दाम चुनाव और गठबंधन के कारण जो उनको परेशानी है
जो हड़बड़ाहट में, उस हड़बड़ाहट का ये परिणाम है। अभी 200 घटा दिए हैं और जुमलाबाजी करने के तो एक्सपर्ट है वो, चुनाव हो जाएगा 600 रुपया बढ़ा देंगे। भाई गैस का सब्सिडी खत्म कर दिए ना, और गैस का सब्सिडी खत्म करने के लिए उज्ज्वला योजना चलाए, और उस उज्ज्वला योजना का 5% सिलेंडर का भी उपयोग आज गांव में नहीं हो रहा है। आज 200 रुपया घटा दिए, उससे भी गरीब लोगों को कहां से गैस का सिलेंडर खरीद पाएगा। 200 रुपया घटाए हैं ये सब INDIA गठबंधन के बनने के बाद उनके हताशा का परिचायक है। ये सब कुछ कोई उनका नुस्खा और जुमला अब नहीं चलेगा। लोग जान चुके हैं कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। चुनाव के पहले जुमला, चुनाव के पहले वादा, और चुनाव के बाद जुमला। महाराष्ट्र में जो बैठक होने वाली, तो ये थे ललन सिंह। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव को देखते हुए और हमारी जो है तीसरी बैठक के पहले ही डर से जो है, उन्होंने डर शब्द का प्रयोग किया कि डर से जो है उन्होंने दाम कम कर दिया है कि कुछ चुनाव का फायदा जो है वो उन्हें मिल सके, लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी है। अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि जैसा हमने अपने एक चर्चा में बताया था आपको कि आज कुछ देर में ही महागठबंधन यानी इंडिया की बैठक शुरू होगी, और जो पेच फंसे हुए हैं कि कहां से कौन लड़ेगा, किस स्टेट में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कन्वेनर कौन बनेगा, इन सारी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक बात आपको बता दें कि परसों नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर कह दिया है कि मुझे कन्वेनर बनने की भी यानी कि संयोजक बनने की भी इच्छा नहीं है। ये तो हम पहले ही आप लोगों को यानी कि पत्रकारों को बता चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या नीतीश कुमार जो हैं अपने इस बात पर टिके रहते हैं, अडिग रहते हैं, या उन्होंने अपनी बातों के द्वारा ये एक सगुफा छोड़ा है कि लोग उनके मान मनौवल में रहें, क्योंकि इस महागठबंधन की जो नींव रखी है वो नीतीश कुमार ने ही रखी है। देखना है कि मुंबई के बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। इन सारी खबरों को हम पल पल की खबरों को आप तक लेकर आएंगे। आप बने रहिए।